हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये बहुत इलेक्शन जीतते हैं, कुछ आदत सी है नहीं इलेक्शन जीतने की, पर ऐसी क्या बात है जो इतने इलेक्शन जीत रहे हैं? भक्त कहते हैं कि ये उनका करिश्मा है, हेटर्स को वैसे तो कुछ समझ ही नहीं आया आज तक कि वो क्यों इलेक्शन जीत रहे हैं, पर वो भी अपनी एक थ्योरी बताते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते हैं इस वजह से जीत रहे हैं। इस पर मैं आज अपनी बात आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि नरेंद्र मोदी नाम का कोई शख्स है ही नहीं, ऐसा कोई आदमी है ही नहीं। ही इज जस्ट अ फेस टू एक्सप्रेस अ डीप एंग्विश। इस देश के अंदर, इस देश के सबकॉन्शियस में कुछ बहुत गहरे जख्म है, कुछ बहुत दर्द है, कुछ बिट्रेल है, कुछ धोखे हैं, उनको एक्सप्रेस करने का कभी मौका नहीं मिला था इस देश को। एक मौका मिला, उस मौके का नाम है नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि ये गंगा जमनी तहजीब, ये कौमी यकजहती, ये भाईचारा, ये गुलदस्ता, ये कितना सच है? हिंदू मुस्लिम में दरार है या नहीं, मिसट्रस्ट है या नहीं, ये सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ बातें मोदी ने फैलाई हैं। क्या ऐसा है? आज हम इसको टेस्ट करेंगे, इस सवाल को आज हम टेस्ट करेंगे। क्या आपको मालूम है सन 1800 से इस देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं? 1926 में पूरे देश में दंगे हुए थे। क्या यूपी, लाहौर, मुंबई, तमिलनाडु, कोलकाता, सब जगह अलग अलग वक्तों में दंगे होते रहे हैं? तो ये जो एक गंगा जमनी तहजीब है, ये कहां है? अगर इतने दंगे होते रहे, सौयों साल से दंगे हो रहे हैं, तो कहां है ये गंगा जमनी तहजीब? चलिए एक और तरह से देखते हैं। आजादी का आंदोलन चला, गांधी जी हमारे लीडर थे, हम सब उन्हें प्यार करते हैं, बहुत आदर करते हैं, कोई इसमें डाउट ही नहीं है। अंबेडकर से गांधी जी का एक बार टकराव हुआ, तो गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया अंबेडकर के घर के सामने। ये बात है 1932 की। आखिर में अंबेडकर को झुकना पड़ा, पूना पैक्ट हुआ, और अंबेडकर ने एक बात कही जो बहुत प्यारी है, जो मैं गैलीलियो की टक्कर की बात मानता हूं, नेवरदलेस इट मूव्स, उस टक्कर की बात मैं मानता हूं। अंबेडकर ने कहा, बात तो मेरी सही है, लेकिन इस वक्त आपकी जान चली जाए ये ठीक नहीं है, क्योंकि अभी देश को आपकी जरूरत है आजादी के लिए, तो मैं अपनी मांग वापस लेता हूं। हालांकि बात तो मेरी सही है, कितनी प्यारी बात थी। उस आमरण अनशन से अंबेडकर को झुकना पड़ा। 1939 कांग्रेस का अधिवेशन तिरुचली, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, सीतारामैया हार गए थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, बोस नहीं बनेंगे, वरना मैं छोड़ दूंगा कांग्रेस, ये वो बहुत कुछ टेंट्रम थ्रो किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया। यहां भी गांधी जी की जिद आगे आई, अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने भूख हड़ताल करी, तो अंग्रेजों को झुकना पड़ा। तो लोगों के दिल में ये सवाल है, मेरे दिल में सवाल था, जब मैं 7th-8th स्टैंडर्ड में था, तो मैंने अपने टीचर से पूछा था, जब जिन्ना ने कहा कि इस देश का पार्टीशन होगा, बंटवारा होगा, तो गांधी जी ने उसके घर के सामने आमरण अनशन क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। खैर, उसके बाद जिन्ना अड़ गए तो पार्टीशन हुआ। 47 में पार्टीशन में करीबन 15-20 लाख डेड बॉडीज, जो हिटलर नहीं कर पाया, 15-20 लाख डेड बॉडीज हमने देखी, कुछ करोड़, 1.5 करोड़ लोग यहां से उजड़ के वहां गए, वहां से उजड़ के यहां आए। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में इससे ज्यादा डेंजरस, इससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं हुई। शायद वो रवांडा टूटसी में जो प्रॉब्लम हुई, वही इसकी टक्कर की प्रॉब्लम होगी। सैकड़ों सैकड़ों औरतों को नंगा करके सड़क पर चलाया जाता था, उसे पिंड यात्रा कहते थे, इतनी दर्दनाक चीज। बट ये हुआ क्यों? एंड हु फेल्ड? किस वजह से इतना बड़ा पार्टीशन हुआ? सिर्फ एक वजह से, कि मुस्लिम्स ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और आप बकवास आज भी करे जा रहे हो गंगा जमनी तहजीब की, कौमी यकजहती की, 20 लाख लाशें गिर गई, आप अभी भी सच का सामना नहीं करोगे? उसके बाद जो पार्टीशन से लोग आए, यहां बहुत सारे शहरों में रहे, और अगले 20-25-30 साल बड़ी गरीबी में रहे, ना उनके पास पैसे थे, ना कैंप बोल दिया जाता था, वहां कैंप में रहते थे, बहुत तकलीफों से उन्होंने 20-30 साल बिताए। अब तो वो लोग नहीं है, गुजर गए, लेकिन उनकी वो दर्द की, वो जो रोंगटे खड़े कर देने वाली उनकी कहानियां थी, वो कहानियां जिंदा है। वो लोग जिंदा नहीं है, पर वो कहानियां जिंदा है। और याद रखिएगा, कहानियां अपने हीरो से, अपने कैरेक्टर से ज्यादा उम्र रखती हैं। जीसस चले गए, कहानियां हैं, राम चले गए, कृष्ण चले गए, उनकी कहानियां चलती हैं हजारों सालों से। तो वो लोग चले गए, पर वो कहानियां इस देश के सबकॉन्शियस में चली गई हैं, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में वो कहानियां हैं। इसलिए जो आप हेट्रेड देखते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो बड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी हेट्रेड है, उसकी कोई शेप नहीं है, मालूम भी नहीं पड़ता किस वजह से या किस चीज के लिए, पर वो है।
फिर आजादी हो गई, सरकार बन गई, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसके बाद फिर अजीब अजीब सी चीजें होने लगी इस देश में, शरिया की बातें होने लगी, चार शादियां कर सकते हैं, हां कर सकते हैं, शाहबानो आती थी तो पूरा पार्लियामेंट उल्टा लटक जाता था सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए, ये कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी इस देश में। तो कभी ये क्यों नहीं कहा गया कि हाँ हम शरिया पूरी तरह लागू करेंगे, हिंदू चोर जेल में जाएगा, मुसलमान चोर के हाथ काट दिए जाएंगे क्योंकि शरिया में ऐसा कहा गया है। ये कभी कहा ही नहीं गया किसी प्लेटफॉर्म पर, लोगों के दिल में था। अब इस सवाल को दबाया कैसे गया? कांग्रेस के हाथ में ताकत आई, अब उसे इस बात से बचना था कि पार्टीशन हमारी वजह से हुआ, हम लोग फेल हो गए, तो उन्होंने सारे टेक्स्ट बुक अपने हिसाब से लेके, सारे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और ये एनसीईआरटी सीबीएसई सबके हेड्स उन्होंने अपने आदमी भर्ती करने शुरू किए, उन्हीं लोगों को पद्मश्री देना शुरू किया, उन्हीं लोगों को तमाम मनसब और तमाम तरह की, वो चीफ गेस्ट बनते थे जलसों में, सारी टेक्स्ट बुक वैसी छपने लगी जहां बस यही बताया जाता था कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, और वो जवाहरलाल नेहरू या फूल लगाते थे और उस बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे, लाइसेंस राज था, सारा प्रेस उन्होंने कंट्रोल किया, और खुद वो बड़े मजे से रोजा इफ्तार की पार्टियों में जाते थे, वो पार्टियां जहां ये बताया जाता था कि कोई मिस्ट्रस्ट नहीं है इन दोनों कौमों के बीच में, बढ़िया दावतें खा रहे थे, रोजा इफ्तार कर रहे थे। कांग्रेस बिकेम अ मछली मार पार्टी, उन्होंने मुस्लिम वोटों की फिशिंग स्टार्ट कर दी, यहां से फिशिंग स्टार्ट हुई। और अगेन वही बात, कैरेट, एक बार जब बात समझ में आ गई तो फिर जितने नए नए लीडर आने लगे, लालू, मुलायम एंड सो ऑन, ममता बनर्जी, सब वही फिशिंग में लग गए। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक अपना परसेप्शन देना चाहता हूं आपको। ब्रिटिशर्स जो 47 में इंडिया छोड़ के चले गए, मान लीजिए आजादी के बाद वो यहीं रह जाते, मान लीजिए जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ, वहां से जब अंग्रेज छोड़ के गए तो सारे अंग्रेज छोड़ के नहीं गए, बहुत सारे अंग्रेज वहीं रह गए अफ्रीका में। आप उनकी क्रिकेट टीम देखते हैं ना, सारे उनके ग्रीम स्मिथ और पोलक और सब उनके एबीडी, सारे उनके प्लेयर्स जो हैं, जो नेशनल हीरोज हैं, वो वाइट हैं, एक दो रबाडा वगैरह, रबाडा और वो सब खेल लेते हैं, बट मोस्टली वाइट्स खेलते हैं। अंग्रेज वहां से छोड़ के नहीं गए, वहीं रह गए। खैर, नेल्सन मंडेला ने उनको इतना खूबसूरती से हैंडल किया कि उस देश में भी वरना पार्टीशन होता और ऐसा ही खून बहता, पर वो इतने ही स्मार्टली उन्होंने हैंडल किया, वो एक अलग कहानी है, पढ़िएगा उसके बारे में, इस दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग कहानियों में से है जो मंडेला ने किया, ग्रेट ग्रेट गाय। खैर, अगर यहां ऐसा होता कि ब्रिटिशर्स यहां रह जाते, तो मैं आपको एक, मेरा ये एक आकलन है, तो 20-30 साल बाद एक पॉलिटिकल पार्टी पैदा होती जो उनके वोट की फिशिंग करती, और हमें यह समझाया जाता कि हिंदुस्तानी और ब्रिटिशर्स में कभी कोई झंझट था ही नहीं, देवर फ्रेंड्स, देवर हैप्पी, हम मिलके होली, दिवाली, ईद मनाया करते थे, और ये जनरल डायर, ये तो आप झूठी बातें हैं, जलियांवाला बाग में गोली चला दी जनरल डायर ने, ये सब एग्जेजरेशन है, राइट विंगर्स ने पैदा किया है, अगर अंग्रेजों के भी वोट यहां पे होते तो ये झूठ चलता रहा और हिंदूज गॉट सिक ऑफ इट। पर कहने का कोई रास्ता नहीं था, कोई आउटलेट नहीं था इस बात को कहने का, कोई ऐसा चेहरा नहीं था वो जिसके साथ वो ये बात कहते कि वो एम्पैथी से हमारी बात सुनेगा। अब यहां मैं थोड़ी सी डिटूर लेना चाहता हूं। कांग्रेस ने इस देश की बहुत सेवा की है, अगर इतनी मॉडर्न आउटलुक के नेहरू जी ना होते तो देश यहां तक ना पहुंचता। उतनी भयंकर गरीबी में जब दंगे भी थे, वॉर भी थे, नेहरू जी ने इसरो के बारे में सोचा, एटॉमिक पावर के बारे में सोचा, आईआईटीज के बारे में सोचा, ग्रेट गाय, जो उनकी अच्छाइयां वो अच्छाइयां हैं, बट इसी के साथ जो गलतियां भी उन्होंने बहुत बड़ी करी, एक इतनी बड़ी चीज को, एलिफेंट इन द रूम जिसको बोलते हैं, डायनासोर आपके सामने खड़ा था, आप उसे एड्रेस, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, कम से कम हां तो कहते डायनासोर खड़ा है, और झूठ ऐसे ऐसे चलाए जैसे कश्मीर के बारे में झूठ चलाया। 370 का तो कुछ हो नहीं सकता भाई, महाराजा हरि सिंह ने यही शर्त पे विलय किया था कश्मीर का, क्योंकि 370 उन्होंने तब किया तो कुछ हो ही नहीं सकता इसका, अब पता लगा ये झूठ है, महाराजा हरि सिंह ने ऐसा कुछ साइन ही नहीं किया था, ये तो दलाल टाइप के लोगों ने 1.5 साल बाद पौने 2 साल बाद लाए 370, और अंबेडकर ने साफ साफ मना किया कि नहीं है ये 370, नहीं लगाऊंगा, इतनी खराब है ये, फिर भी लगा दिया आपने, जबरदस्ती ठोक दिया आपने। अब मैं अपनी बात पे वापस आता हूं कि नरेंद्र मोदी कोई आदमी है ही नहीं, ये वो खूंटी है जिसपे इस पूरे देश ने अपना ये जो बरसों का गुस्सा है, 50 साल का नहीं, 150-200 सालों का गुस्सा टांगना शुरू कर दिया उस खूंटी पे। डिस्कशंस स्टार्टेड हैपनिंग, गुस्से को एक जगह मिली, एंगर फाउंड अ वेंट। चलिए एक और बात करते हैं। मेरा मानना है कि हम लोग एक एहसान फरामोश कौम है। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, हम एहसान फरामोश लोग हैं। गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, भाई मती दास, हकीकत राय, गुरु गोविंद सिंह, आपने नाम सुने सिख गुरुज, उनके साथी, जब हिंदू कौम
इस्लामिक रूलर से बहुत परेशान थी, फोर्स कन्वर्जन हो रहे थे, बहुत जुल्म हो रहे थे, जजिया वजिया बहुत चीजें थी। तो इन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए ये सब कुर्बानियां दी। किस गुरु को जिंदा जला दिया गया, किसको गर्म तवे पे भून दिया, बात समझ रहे हैं आप, जैसे सब्जी बनाते हैं आप गर्म तवे पे जिंदा भून दिया, किसको आरे में से बीच में से काट दिया, किसको रुई से बांध के जला दिया, किसके बच्चों को दीवार में चिनवा दिया, किसके बच्चों के दिल निकाल के बाप के मुंह में ठूस दिए, ये सब कहानियां हमने पढ़ी। इनकी कविताएं हम स्टेज पे गाया करते थे जब हम छोटे थे। हकीकत हूं हकीकत को हकीकत जब बताऊंगा, हूं एक लाखों को हकीकत मैं बनाऊंगा। इस सारे जुल्म को सहकर हिंदुओं में से एक वॉरियर कॉम पैदा हुई, खालसा। पर आजादी के बाद टेक्स्ट बुक, कांग्रेसियां टेक्स्ट बुक थी सारी, इरफान हबीब, रोमिला थापर, इन सब ने हमें हिस्ट्री पढ़ानी शुरू करी। और ये कहा गया कि भाई हम बड़े सेकुलर हैं, सेकुलर रहो और प्रोग्रेसिव बातें करो, अगर आपने ये सब बातें करी तो बड़े आप कम्युनल कहलाओगे। तो हम बड़े कंफ्यूज से हो गए कि क्या करें। तो कुछ समझ नहीं आया तो हमने सिखों पे जोक बनाने शुरू कर दिए। कल्पना कीजिए, हिंदुओं में से उठी हुई एक कौम जिसने इतने बलिदान दिए, आज हम उसके ऊपर चुटकुले बनाते हैं, बजाय उस कौम को सिर पे बिठाने के हम उस पर चुटकुले बनाने लगे। चलिए, ये वक्त भी देखा इस देश ने। यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई, जिन मुस्लिम रूलर्स के हाथों, जिससे पूरे लंबे वक्त में वो जो हमने तकलीफें सही, जैसे ब्रिटिशर्स के हाथों सही, ब्रिटिशर्स चले गए, उन मुस्लिम लोगों के हाथों जो हमने इतनी तकलीफें सही, उनको आजादी के बाद हम कुछ एड्रेस ही नहीं कर पाए और कंफ्यूज हो गए कि ये सब जुल्म हुए भी थे या नहीं थे। ये गुरुओं ने जो इतनी बलिदान दिए थे, जो इतने सैकड़ों सालों से ये जो गुरुद्वारे बने हुए हैं, ये सच्चे हैं कि नहीं है, या ये मोदी ने बना दिए जाके चुप चुप के, 200-300 साल पहले मोदी ने बना दिए। अंदर ही अंदर एक कैंसर है, इस गुस्से का एक कैंसर है जो इस देश को खाए जा रहा था कई सौ साल से। वो कैंसर पार्टीशन में दिखाई दिया, आपके दो हाथ काटने पड़े, एक भारत एक पाकिस्तान बन गया, एक बांग्लादेश बन गया, दो हाथ कट गए आपके, आपके अंदर इतना बड़ा कैंसर था। लेकिन आप क्या करते हैं, आप लिपस्टिक लगाते हैं, पाउडर लिपस्टिक लगा के आप कहते हैं भाई एवरीथिंग इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए इस प्रॉब्लम को एक और तरह से देखते हैं। तो ये भारत पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों को मिला दें तो करीबन करीबन 50 करोड़ मुस्लिम लोग हैं यहां पे रहते हैं। ये कहां से आए, इतने मुस्लिम तो अरब में भी नहीं है, मिडिल ईस्ट में इतने मुस्लिम नहीं है, इस देश में पारसी भी आए, बुद्ध हैं, राजपूत हैं, सिख हैं, बहुत कौम है, ये क्यों नहीं हो गए 50 करोड़। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? फिर एक दलाल टाइप के जो लोग हैं उन्होंने एक नया नैरेटिव स्टार्ट किया, ये पिछले 25-30 साल से ज्यादा जोर पकड़ा इस नैरेटिव ने, 20-25 साल से, कि ये प्यार से कन्वर्ट हो गए, ये हिंदू ही थे, प्यार से कन्वर्ट हो गए। वेरी गुड, वाह। ये कहा गया सूफी संत आते थे, दरवेश फकीर वकीर आते थे और लोग प्यार से कन्वर्ट हो गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे हमारा एक बहुत बड़ा देश था, ऐसे एक बहुत बड़ा देश था पर्शिया, वहां पारसी रहते थे और वो कलाओं में, ट्रेड में, एजुकेशन में बहुत ऊपर देश था, उसकी वो पूरी सिविलाइजेशन बहुत हाई पे थी। ये मिडिल एजेस की बात है, मुस्लिम्स का अटैक हुआ, करीबन 25-30 साल में एक भी पारसी जिंदा नहीं बचा, सारे देश छोड़ के भाग गए, मर गए, लूट हत्या बलात्कार, और 25-30 साल में एक नया इस्लामिक मुल्क बन गया, बाद में जिस मुल्क का नाम पड़ा ईरान। सारे पर्शियंस कहां गए, कुछ भाग के तो हिंदुस्तान भी आ गए थे, वो प्यार से कन्वर्ट हो गए। ऐसा प्यार इस दुनिया ने कई बार देखा है, अफ्रीका में, एशिया में, ऐसा प्यार 25-30 कंट्रीज ने बर्दाश्त किया है और वो 25-30 कंट्री टोटल इस्लामिक बन गए। और लेटेस्ट कश्मीर, जब वहां से 3-4 लाख हिंदू भगाए गए तो वो प्यार से भागे वहां से और पूरा कश्मीर इस्लामिक हो गया। मेक नो मिस्टेक, इट्स अ कैलिफेट। जो बगदादी करता है खलीफा, खलीफा जो अपना साम्राज्य बनाता है जहां सिर्फ मुस्लिम होते हैं और अगर गैर मुस्लिम है तो उन्हें डिम्मी बन के रहना पड़ेगा, खत्म होकर रहना पड़ेगा, वो कैलिफेट है इस्लाम की। इस वक्त कश्मीर में, हिंदुस्तान में कैलिफेट है, 1921 में मालाबार में दंगा हुआ था, वहां भी कैलिफेट बनाने की कोशिश की गई थी, कुछ 50,000 या 1,00,000 हिंदुओं को बाहर निकाल दिया था वहां से, फोर्स्ड कन्वर्जन किया था, तो तब नहीं बना पाए, लेकिन आज कश्मीर में कैलिफेट है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी गुलदस्ता और कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत सबके बीच में एक कैलिफेट बन गई, लेकिन आप कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। और जब ये 3-4 लाख हिंदू वहां से भगाए गए एक महीने के अंदर, तब कॉन्स्टिट्यूशन सो रहा था, इंटेलेक्चुअल सेमिनार कर रहे थे, गंगा जमनी तहजीब पे सेमिनार कर रहे थे और इस तरह की तमाम रोजा इफ्तार की दावतें चल रही थी, हैप्पी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। और जो पूरी तरह इस्लामिक नहीं बना, उसके टुकड़े हुए, जैसे हिंदुस्तान के टुकड़े हुए, सूडान के टुकड़े हुए और
आपकी और हमारी जिंदगी में, हमारे लाइफ टाइम में स्वीडन का टुकड़े होंगे। आज से 15-20 साल के अंदर स्वीडन टूट जाएगा। यह एक प्रोसेस है जो पूरी दुनिया में चल रहा है। आप या तो बहुत भोले हैं, देखते ही नहीं, या आप इतने मूर्ख हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है आपने कभी देखा ही नहीं, या आप झूठे हैं, या आप दलाल हैं। अगर आप इस पूरे प्रोसेस को मना करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, यहां तो बड़ी गंगा जमनी तहजीब थी, आप इन सब में से एक है, या हो सकता है सब कुछ हो। चलिए मैं आपसे, आपके साथ एक एक्सरसाइज करता हूं। आपके एक दादा होंगे, एक दादा परिवार है, दादा, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफा, उधर के उनके बच्चे, सब एक पूरी फैमिली ट्री वो है। एक नाना की तरफ से है, तो एक आदमी करीबन ऐसे 10-15 परिवार उसके आसपास होते हैं। इसके बाद आप कॉलेज, आपका कॉलेज, स्कूल कॉलेज, जहां 50-100 स्टूडेंट हैं, जिसमें कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ ट्रेवल करते हैं जिंदगी भर। फिर आपका मोहल्ला, आपकी कॉलोनी, वहां भी आप 10-20 परिवारों को जानते हैं। यूं कहें एक आदमी मोटा मोटा 700-800 लोगों की खबर उसको होती है, डायरेक्ट खबर, चाहे मिले ना, कि कोई बहुत दूर रहता है, लेकिन हाँ पता लगता है उसकी शादी हो गई, उसके बच्चा हो गया, डेथ हो गई, कुछ बहुत अच्छा हो गया, बहुत बुरा हो गया, खबर आ जाती है कहीं ना कहीं से। अब मैं आपसे एक्सरसाइज करता हूं। पिछले 20-30-50 साल में ये इन 1000 लोगों में से कितने लोग मुस्लिम बने, कितने लोग कन्वर्ट हुए? आंसर मिलेगा 0। क्या हुआ, सारे सूफी, दरवेश, फकीर रिटायर हो गए, आईपीएल देखने चले गए, इस्लाम की कशिश खत्म हो गई? दोस्त, जब तक गर्दन पर तलवार ना हो ना, कोई कन्वर्जन नहीं होता, या बहुत सारे पैसे ना हो, कोई कन्वर्जन नहीं होता। उसके बाद पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, इस देश की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और उसमें शामिल अफजल गुरु, उसके सम्मान में, उसके समर्थन में लोग खड़े हैं, हजारों हजारों लोग मुसलमान खड़े हैं, और हमने तब भी कुछ नहीं कहा, इस देश में हाहाकार नहीं हुआ। मुंबई में कुछ साल पहले आजाद मैदान में एक रैली हुई, किस लिए हुई? रोहिंग्याओं के समर्थन में। आपका क्या लेने देना है रोहिंग्याओं के समर्थन में? और रैली के आखिर में क्या हुआ, जो शहीदों के लिए स्मारक बना है, फौजियों के लिए, शहीदों के लिए जो स्मारक बना है, उसको जूते मार मार के तोड़ दिया। इतनी नफरत आपके मन में इस देश के लिए, और कोई कुछ कहता ही नहीं, कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा था, ये चल रहा था इस देश में। तो ये जो एक हेट है, ये इन दोनों कौमों में रही, और वो एक हेट, वो एक नफरत जो थी, वो कभी, इट नेवर बिकेम अ पास्ट हिस्ट्री, डिस्टेंट हिस्ट्री, कभी नहीं हुआ, वो रोज रहा। कभी वो अफजल गुरु के रूप में आ गई, कभी क्रिकेट मैच के रूप में आ गई, कभी कश्मीर, कभी आजाद मैदान, वो हमेशा कभी ना कभी उसके न्यू एडिशन आते रहते थे। एक और एक्सरसाइज करते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, साइकिल, स्कूटर कुछ चलाते होंगे, जब भी आप सड़क में जाते हैं तो थोड़ा संभल के चलते हैं। लेकिन आपके शहर के जो मुस्लिम एरिया है, जब उसमें आप जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा संभल के चलते हैं कि नहीं? एक्स्ट्रा संभल के, कि अगर यहां लग गई तो एक्स्ट्रा पिटाई होगी। वो जो फियर है आपके अंदर, वो जो डर है, वो कमाल की चीज है, जिसको देश कहता है नहीं, एक सिस्टम कहता है नहीं, लेकिन आपके अंदर है, करोड़ों लोगों के अंदर है, 100 करोड़ लोगों के अंदर है वो डर। और एक आखिरी एक्सरसाइज, जब भी आपको कोई ज्ञान बांटता हुआ आदमी मिले, सेकुलर मिले, इंटेलेक्चुअल मिले, गंगा जमनी तहजीब वाला आदमी मिले, सब बराबर हैं, सब धर्म हैं, तो उसको कहिएगा चलिए एक पेज पे लिखते हैं, गीता, बाइबल, कुरान सब एक जैसे हैं, जीसस, राम, कृष्ण, पैगंबर मोहम्मद सब एक जैसे हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब प्यारे इंसान हैं, सब बढ़िया हैं, सब बराबर हैं। एक पेज पे लिख के उसे बोली जरा 2-4 मुस्लिम से साइन करा के ला, ऐसी चीं की आवाज आएगी उस इंटेलेक्चुअल की, आपके पास जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा वो, एक मुसलमान के साइन नहीं करा सकता इस बात पे। ये सारा ड्रामा हमारे लिए है ये। तो जहां से मैंने बात शुरू करी थी कि ये जो गुस्सा है, ये कई 100 साल का गुस्सा है, जिसको वेंट नहीं मिला, कभी निकलने की जगह नहीं मिली, और ये जो बार बार दंगे होते हैं ना, ये उसकी EMI है। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, मोदी कोई आदमी है ही नहीं, मोदी वो मौका है और वो गारंटी है कि इस बार जब शाहबानो पार्लियामेंट में आएगी कि हलाला हो गया, कि चार विवाह हो गया, कुछ हो गया, इस बार पार्लियामेंट ब्लैकमेल नहीं होगी। वो एक शख्स नहीं है, वो एक इमोशनल बाम है, एक इमोशनल मलहम है, जिसकी इस देश को कई 100 साल से जरूरत थी। और अगर आप सोचते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है, तो दोस्त, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।